श्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिने करो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उभाय ब्रूहे यत्र तः देव्योवाच शृणो देवार्थमख्यामि करो सर्वे साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बासुरे प्रकाश्यते ॐ अर्च श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्ठुभ छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी मा सरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोग ज्ञानिनाम विचेतांसि देवी भगवती स बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरिषिभिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता महिमतीव शुभां ददाति दारिद्र्यदुःखवहारिणि कात्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्ते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रारिणो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताजाश्रयतां प्रयान्ति सर्वावादा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गास्तोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सती सात्री भव प्रीता भवानि भवमोचनि आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेता शूलधारिणि तिनाकधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमङ्गमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्दा भावनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनि अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावति पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जनि अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरि
वनदुर्गा च मातंगी मतंग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंदी कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी क्रिया नित्या च बुद्धिरा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुंब शुंब हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकेटवहग्रे च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वार्थधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशोरी युवती जती अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमातावलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंका परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रपणे नित्यं दुर्गा नाम सदाशकम् नासात्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं अयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं ददाचान्ते लवे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या परे नाम सदाष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां याति राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्ययन्त्रं विधिना विलिख्य भवे सदा धार्यते पुरारि भौमावास्यादिशामग्र चन्द्रे षद्विषाङ्गे विलिख्य प्रभणे स्तोत्रं सर्ववे सर्वदां परम् ॐ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अथ श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिगबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सत्त्वशरीपाठामृत्वेन जपे विनियोग। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगद्गुरुं परमलोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कक्षाचिराज्ञानं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासो कवचं पुण्यं कक्षणश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणि द्वितीयं चन्द्रगण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिरात्रि च नवदुर्गा प्रकीर्तिता
उक्ताने दानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमत्ते गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृत्ति प्रजायते यत्त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान्न संशया प्रेत संस्थातु चामुण्डा बाराहिमयि चासना एन्द्रैगै समारूढैश्वी गरुडासना मारेश्वरी विशारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वावर्णभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानावर्णशोभाट्या नानारत्नापशोभिता दृश्यन्ते रथमारुण दिव्या कोण समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हरं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधा नित्यं देवानां हृदाय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्रायिमां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रुणाभयवर्धने प्राच्या द्रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणयावतु वाराहे नैरृत्या खड्गधारिणे प्रतीच्या वारुणी रक्षे वायव्या मृगवायणे उदीचा पादु कौमारी एषाणां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्मायि मे रक्षे अधस्ताद्वैष्टवेदता एवं दर्शिजो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रदा पातु विजया पातु पृष्ठदा अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चावराजिता शिखामुद्योजनी रक्षे उमामूर्ते व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे जजस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोद्वारभासने कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे जजर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाख्यै चुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरि नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकोवरि स्कन्दयो खड्गणि रक्षे बाहु मे वज्रधारिणि हस्तयो दण्डनि रक्षे अम्बिका चाङ्गुलीषु च नकांशुलेश्वरी रक्षे कुख्यो रक्षे कुलेश्वरि सनो रक्षे महादेवि मणाशोकविनाशिनि हृदये ललिता देवि उदरे शूलधारिणि नाभो च कामिनि रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरि तदा भूतना कामिका वेद्रं गुरे वैशवायिणि सत्यां भगवती रक्षे जानुनि विन्दवासिनि गङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनि गोल्फयोर्नारसिंहि च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलिषु श्रीरक्षे पादादस्थलवासिनि नखादशाकराणि च केशा देवोद्गकेशणि रोमकोवेषु कोवेरि त्वजं वागीश्वरि तदा रक्तमज्जावसावासान्यस्ति वेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावलि पद्मकोशे कभे चूडामणि सदा ज्वालामुखे नगज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरि तदा
अहंकार मनो बुद्धि लक्ष्य मे धर्म धारणे प्राण पान तथा ध्यानम उदानम च समानकम वज्रहस्ताच मे रक्षे प्राणम कल्याण शोभन रथे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च लोकणि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवी जजा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च जग्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षेर्महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवे अङ्गानां सुपदा रक्षणमार्गं केमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं दुजस्थानं वर्जितं कवचेणतो तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ते पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेत्तु जयिच्छेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वगामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमदलं प्राप्स्यते भूतले पवन् निर्भयो जायते भक्त्या सङ्ग्रामेश्व पराजिता ते लोके तु भवेत् पूज्या कवचेनावृता पवान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यापणे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं शब्दयाण्डितः जैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवे वर्षशतं जाग्रम् अवमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं जैव कृत्रिमं जाविजर्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतराः केतरा चैव जयजाशोपदेशिका सजा कुलजा माला डाकिणी शाकिणी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिण्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेदाः कूष्माण्डाभैरवादया नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे संसदे बाणो न निर्भवेराग्यस्तेजो वृद्धिकरं वरम् यशुता वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवणकाननम् तावत्तिष्ठति मे निर्ण्यां सन्तति पुत्रपात्रिके देहान्ते परमं स्थानं जत्सुरेरमि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथार्गला स्तोत्रम् ॐ अचीयगला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकारी भद्रकाली कपालिनि दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूताधिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमोऽस्तु ते मधुकैटवमित्रावि विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देवि दशो देहि द्विषो देहि महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि रक्तबीजावरे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि शुम्भश्चैवणि शुम्भश्च धूम्राख्यश्च च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि भन्दिताङ्ग्रीरुहे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि
अचिंत्य रूप जय जय सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि जशो देहि विशो जय नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि जशो देहि विशो जय सुभद्रौ भक्ति पूर्वं त्वं चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि जशो देहि विशो जय चंडिके सगतं जय त्वं अर्चयन्ति अभक्तिदा रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय विदेहि द्विषदां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय सुराधुरशिरोरत्नानिकृष्ट चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय विद्यावन्तं जशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनङ्करो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय प्रचण्ड दैत्य दर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय कृष्णेण संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय इन्द्राणि परिसर्वाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय देवि प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यगर्भ विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जय पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्वकुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महातोत्रं पठे नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्या परमापनोति संवदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुभशङ्गः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा पितृसं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिभेदि दिव्यचक्षुषे श्रियाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धदारिणे सर्वमेतद्धियाणि यान् मन्त्राणामभिषेकम् स्वाभिक्षेममवाप्नोति सर्वमञ्जाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तु जानाभीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुभदां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्रोणौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेन सर्वमुच्चारणादिकं समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाहरा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वर्णियन्त्रणा स्वाभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशया कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्नदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योनिष्ठिला विनायेन नित्यं द्रवति संस्मृतम् सिद्धा स गणः स्वपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवा प्रतस्तस्य भयं वापि अजायते नापमित्युवशं जाते मृदा मोक्षमवाप्नुयात्
यात्रा प्रारभ्य कुरु वेदना कुर्वाणो विनश्यति तदा ज्ञातैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवदेहि सौभाग्यादिजरकिञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्र साधेन तेन जाप्यामिदं शवम् क्षणेषु जाप्यमाणेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्र साधेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहाणि परो मोक्ष स्तूयते साढगिञ्जनैः ओ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र नंदिनी नंदिनी विश्वविनाशिनी नंदनुजे जय 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 ज
जय 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 जय
अंतिम दृष्टि से पहले क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षर गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षर गणनाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदुम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम
एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार ओकार उमकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा इसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली दा मूल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। दुर्गे स्मिता हरसि भीति मशेष जंतो, स्वस्थे स्मिता मति मति शुभाम ददासी, दारिद्र्य दुख वैहारिणी का तदन्या सर्वोपकार करनाय सदा चित्ता। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा इत्यादि रहता हो। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधि के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्र वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायण देवी, तुम्हें नमस्कार। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संबंध दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। हम सभी भक्तजन भक्तिपूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी हम भक्तों पर कोई संकट काल आन पड़ा है अथवा हमारी कोई मनोकामना अपूर्ण रही है और रब उस समय किसी भी देवता ने हमारी सहायता नहीं की है, तो हमने अंत में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। और तब माता जी ने हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के हमारे सभी कष्टों को सदा के लिए दूर किया है, मनोकामना को पूर्ण किया है। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनंत्र में स्वरूप नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। वो अपनी प्रजा का अपने और उस पुत्रों की भांति प्रेम करते थे, परंतु फिर भी उनकी शत्रुता कोला विध्वंसी क्षत्रियों से हो गई। उनके साथ युद्ध हुआ, यद्यपि क्षत्रिय संख्या में कम थे, फिर भी राजा सुरत उनसे पराजित हो गए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे, अर्थात समस्त भूमंडल पर से उनका अधिकार जाता रहा। परंतु वहां पर भी उनके मंत्रियों ने उनके जो खजाने को हथिया लिया। राजा सुरत, जिनका प्रभुत्व पूर्णतया नष्ट हो चुका था, एक दिन अनमने मन से घोड़े पर बैठ करके वो वन में चले गए, जहां उन्हें सुमेधा ऋषि का आश्रम देखा। वहां सभी हिंसक प्राणी अपनी स्वाभाविक हिंसक वृत्ति छोड़ करके बड़े शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यगण आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां राजा गए और मुनि ने उनका आदर सत्कार किया। वहां कुछ दिन बचरते हुए राजा वहां रहे। एक दिन अनायास उनका मन अपने राज्य की ओर चला गया और महत्व भाव से ये सोचने गए कि मेरा राज्य जो मुझसे छिना जा चुका है, पता नहीं जो वित्तगण है जो मंत्रीगण है उसकी विधि पूर्वक रक्षा करते हाथ पर नहीं। मेरा शूरवीर हाथी जो सदैव बत रहता था वो निश्चित रूप से अब दुखी होगा। उन मंत्रियों ने मेरे राज्य कोष को खाली कर दिया था। इस प्रकार कई भाव प्रकार के जो ममता भरे भाव थे उनके भर में मन में आते थे। वहीं उन्होंने एक दिन एक वैश्य को देखा और उसको पूछा कि भाई आप कौन हो। उस वैश्य ने बड़ी विनीत भाव से कहा कि महाराज, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ वैश्य नाम का समाधि हूँ, समाधि नाम का वैश्य हूँ और
मेरे ही स्त्री पुत्रों ने, भाई बंधुओं ने जो लोभ में आकर मेरा धन छीन करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, परंतु फिर भी मैं उनके प्रति सोचता रहता हूँ। वो सदाचारी हैं, दुराचारी हैं, कष्ट में हैं, सुखी हैं, क्या है, ऐसा मन में विचार करता रहता हूँ। अरारा कह रहे हैं कि जिन भाई बंधुओं स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में आपको घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति आप क्यों सोचते रहते हो? तो समाधि व्यास्ट ने कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता मैं क्यों उनके लंबी लंबी सांसें लेता रहता हूँ, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। तब वे दोनों उन ऋषि के शरण में गए, उनको प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि महाराज क्या कारण है? राजा कह रहे हैं कि मेरा राज्य, यद्यपि मैं जो जानता हूँ कि मुझको वो पुनः प्राप्ति होगा, फिर भी उसी के प्रति सोचता रहता हूँ, और ये समाधि वैश्य इसके स्त्री पुत्रों घर से बाहर निकाल दिया है, ये उन्हीं के प्रति सोचता रहता है। तो उस समय सुमेधा ऋषि कह रहे हैं कि ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भवती सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचिति, भवती महामाया देवी, बड़े बड़े ज्ञानियों को, हृदयों को भी जो बलपूर्वक तो खींच कर मोह में डाल देती हैं, हम भक्तों की बात ही क्या है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोह के चक्कर में पड़कर पुनः पुनः संसार में आया करते हैं, वही संसार को जन्म देती हैं भगवती, वही जो भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं, इसलिए आप उन्हीं की शरण ग्रहण करो। तब राजा सुरता समाधि उनको प्रणाम करके वन में चले गए और नदी के किनारे माता की मिट्टी की मूर्ति बनाई और धूप दीप नैवेद्य से जो देवी सूक्त का पाठ करते वहां रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने आहार को कम किया और फिर पूर्णतया निराहार रहते हुए अपने शरीर के रक्त से परोक्ष बलि देते हुए माता जी आराधना करने रहे। इस प्रकार 3 वर्ष के पश्चात माता जी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि समाधि वैश्यता राजा सुरत, आपके मन में जो भी को कामना हो उसको वर के रूप में मांग लो। राजा ने कहा कि महारानी, मेरा राज्य मुझे प्राप्त हो जाए। और समाधि वैश्य जिनका मन संसार से विरक्त हो चुका था, उन्होंने जो मोक्ष के लिए ज्ञान का वरदान मांगा। माता ने कहा कि राजन, आपको पुनः राज्य प्राप्त होगा और फिर दूसरे जन्म में आप भगवान सूर्य के अंश से सावरिक बन होंगे और समाधि वैश्य आपको मोक्ष के लिए ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का वरदान देकर माता जी अंतर्दान हो गई हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जभी जभी हम भक्तों पर कोई संकट का आदान पड़ा है, उस समय हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुनि के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से इस दिव्य गुफा में आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संबंध करती विराजमान। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, उपरा के 3 स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बहरी है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकता प्रहलाद जी और सात्यमाद वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे काली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस इनवार मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जय, करा छेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नारों प्रांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में सुन जो माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय, करा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्ति उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता के भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से
अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शिरवलीदास बोल सच्चे दरबार की जय। कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रही, कट दी हमें सहेज दस दे हो दुख रही, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रही, कट दी हमें सहेज दस दे हो दुख रही। मेरी वारी कानू मैया रूप विच लुक गई, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रही, कट दी हमें सहेज दस दे हो दुख रही, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रही, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रही। कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे। सर सर विच तेरी ज्योति दा नूर है, अभिमानी अख मेरी दाती मैं तो दूर है, सर सर विच तेरी ज्योति दा नूर है, अभिमानी अख मेरी दाती मैं तो दूर है। गर्दन जगत दी तेरे द्वारे चुक गई, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे। जद मिल के पुकार सी, सुन के पुकार तुयो लिता अवतार सी, देवते अगति जद मिल के पुकार सी, सुन के पुकार तुयो लिता अवतार सी, देवते अगित जद मिल के पुकार सी, सुन के पुकार तुयो लिता अवतार सी, देवते अगित जद मिल के पुकार सी, सुन के पुकार तुयो लिता अवतार सी। मेरे उत्ते दया कर क्यों मैया उप गई, हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दे हमें सहेज दस दे तो दुख रे। मेरी बारी कानू मैया रूप विच लुक गई, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे। खोल के की हाल दस जग दे जगाल दा, खोल के की हाल दस जग दे जंजाल दा, मावां वी ना पुत्तरां नूं कोई ना संभालदा, खोल के की हाल दस जग दे जंजाल दा, मावां वी ना पुत्तरां नूं कोई ना संभालदा। आटा वाली बेल मेरी क्यों मैया सुक गई, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे, कट दी हमें सहेज दस दे तो दुख रे। चमन नमन तेरे दर्शना नु लोचदा, आम कीवें कोल तेरे एहो पिया सोचदा, चमन नमन तेरे दर्शना नु लोचदा, आम कीवें कोल तेरे एहो पिया सोचदा, चमन नमन तेरे दर्शना नु लोचदा, आम कीवें कोल तेरे एहो पिया सोचदा।
ਜੇ ਅਕਲ ਚਰਕ ਗਈ ਪੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਠ ਦੱਸ ਦੇ ਪੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਠ ਦੱਸ ਦੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਰੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਰੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਕਾ ਆਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਆਇਆ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਆਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਆਇਆ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਆਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਆਇਆ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਆਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਆਇਆ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਵਧਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਵਧਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਵਧਾਈ ਆਈ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਵਧਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਮੇ ਤੁਝੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਮੇ ਤੁਝੇ ਬਿਠਾ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਆਇਆ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਆਇਆ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਓ ਘਰ ਆਈ ਮਾਂ ਘਰ ਆਈ ਘਰ ਆਈ ਮਾਂ ਘਰ ਆਈ ਘਰ ਆਈ ਮਾਂ ਘਰ ਆਈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਓ ਘਰ ਆਈ ਮਾਨ ਮੁਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਮਾਨ ਮੁਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਮਾਨ ਮੁਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਮਾਨ ਮੁਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਘਰ ਆਂਗਨ ਮੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਦੀ ਘਰ ਆਂਗਨ ਮੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਦੀ ਅੰਬਰਾਣੀ 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 ਬਣੀ ਸਹਾਰੀ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਵਧਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਵਧਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਮਾਂ ਕਾ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਹੁਆ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਹੁਆ ਹੈ ਘਰ ਮੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੁਆ ਹੈ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੁਆ ਬਾਕੀ ਰਲ ਮਿਲ ਬਾਕੀ ਰਲ ਮਿਲ ਬਾਕੀ ਰਲ ਮਿਲ ਭੇਟ ਹੈ ਘਰ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਰਲ ਮਿਲ ਭੇਟ ਹੈ ਘਰ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਆਇਆ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਵਧਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਵਧਾਈ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ
कर्म कमाया, बाणी ने कर्म कमाया, ओ खुशी का ये दिन आया, क्यों का ये दिन आया, मेहरों वाली ने कर्म कमाया, मेहरों वाली ने कर्म कमाया, ओ मन मेरी मन मेरी मन मेरी आत बुरा आत मेरे घर आई, मन मेरी आत बुराई बात मेरे घर आई, सब मिलके दो बधाई बात मेरे घर आई, सब मिलके दो बधाई बात मेरे घर आई, आज दिन खुशियों का बात मेरे घर आई, आज दिन खुशियों का बात मेरे घर आई, जो कोई माँ के दर पे आए, माँ के दर पे आए, जो कोई माँ के दर पे आए, जो कोई माँ के दर पे आए, मैया उसके भाग जगाए, मैया उसके भाग जगाए, मैया उसके भाग जगाए, मैया उसके भाग जगाए, हे जग जननी हे जग जननी हे जग जननी माँ माई बात मेरे घर आई, हे जग जननी माँ माई बात मेरे घर आई, हे जग जननी माँ माई बात मेरे घर आई, हे जग जननी माँ माई बात मेरे घर आई, सारे जग को रचने वाली, 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 माँ है दुर्गा माँ है काली, 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 सबकी मन सबकी मन सबकी बिगड़ी बनाई बात मेरे घर आई, मन सबकी बिगड़ी बनाई बात मेरे घर आई, आज दिन खुशियों का आया बात मेरे घर आई, आज दिन खुशियों का आया बात मेरे घर आई, बात मेरे घर आई, मेरे घर आई, आज की आज मेरे घर आई, सब मिलके तो बधाई बात मेरे घर आई, सब मिलके तो बधाई बात मेरे घर आई, सब मिलके तो बधाई बात मेरे घर आई, सब मिलके तो बात मेरे घर आई, बात मेरे घर आई, बात मेरे घर आई, बात मेरे घर आई, जयकारा शेरों वाली का सच्चे दरबार की जय। एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जय कर श्री रमणी बोल सच्चे दरबार की जय। सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला ज्ञान उजाला
धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल
दरबार की जय। दुर्गे दुर्गति दूर करो मेरी, अम्बे चरण शरण आया तेरी। मैया दुर्गति दूर करो मेरी, अम्बे चरण शरण
जयपाल जी जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जग रूठे पर मुझसे मेरी मान रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी
तेरा साथ मिले हर जन्म तेरा साथ
एक तमन्ना जीवन की, बस एक तमन्ना जीवन की, हर जन्म में तेरा साथ मिले, हर जन्म में तेरा साथ मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा, कर्मैया तेरा एक प्यार मिले, हर हाल में रह लूंगा, कर्मैया तेरा एक प्यार मिले, हाल में मैं मुझ रह लूंगा, कर्मैया तेरा एक प्यार मिले, कर्मैया तेरा एक प्यार मिले। माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे, माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे, जब तक मां तेरा दरबार न छूटे, और जीऊं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे, मां जग रूठे पर मुझसे मेरी मां न रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी मां न रूठे, जयकारा श्री वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तातर नमामि महिषा सुर चंड मुंड शुंभा सुर प्रमुख जय विनाश दक्षा, ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमो हनशील लीला, चंडी समस्त सुरमु विमने कुरूपा, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज विक्रमादित्य शुभ संवत 2075 दक्षिणायन उत्तरगोल शरद ऋतु आश्विन मास की आज 6 प्रविष्ट हैं। भाद्रवत शुक्ल पक्ष की आज त्योशी तिथि है। शनिवार तदनुसार 22 सितंबर सन 2018 के दिन दुर्गा माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरि धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर्भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव क्षीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रलाभम शतसंवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपके दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, अब धन धन से संपन्न हो, जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों, आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय जामागौरी मैया जय ओम जय अम्बे गौरी
Oh.
को निचि दिन जावत मैया जी को निचि दिन जावत हरि गंगार ओम जय अम्बे गौरीया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं, इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त हम बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, आहे वेला जय माता दी, दादा वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बुलांदी कछ मेदानी जय माता दी, मां मेरा गदी जय माता दी, मां झोलियां भरदी जय माता दी, मां भरे खजाने जय माता दी, ये सोला आने जय माता दी, मां जोता वाली जय माता दी, मां लाटा वाली जय माता दी, झोलियां वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, हाथ वाणी जय माता दी, मां जट कल्याणी जय माता दी, मां महारानी चिंडी रानी जय सुदेवी जय माता दी, कटिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमं सुखम, देही मे परमं सुखम, रूपम देही जयम देही, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो रही, यशो देही दिशो रही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, इसलिए आज आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण मैयान भर दो गड़गड़ी चरणा का ज्ञान जय Thank you.
Thank you.
आपका नाम क्या है? कौन सी? प्रिया कुमारी। प्रिया? या प्रिया? प्रिया या प्रिया? प्रिया कुमारी। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? कौन सी? बंदी में पूरी और साइकिल भी नहीं आएगी जब जब बार है कब आएगी जब आपको बैग देने हैं, गिफ्ट देने देखो करता है।